So yes, my dear friends, we are live. Hello and welcome to an Academy Plus special class. Namaskar aur aap sabhi ka. An Academy Plus ki aaj live special class mein main swagat karta hoon. Aur main aasha karta hoon ki aap sabhi acche honge. Kal kisi karanvash se aap se meri mulaqat nahi ho pai thi. Lekin aap log chinta mat karo. Aaj main aapke saath aa gaya hoon. मैंने उस लेक्चर को पोस्टपोन कर दिया था और आज हम एक नए सेशन के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं। तो महेंद्र बोल रहे हैं कि सर मुझे आप आपकी क्लास का बड़ा इंतजार रहता है, मुझे भी आप लोगों से जुड़ने का बड़ा इंतजार रहता है। जिस तरीके से आपको मुझसे पढ़ना पसंद है उसी तरीके से मुझे आप लोगों को पढ़ाना पसंद है। तो हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं कम से कम आने वाले कुछ समय तक। तो हाँ, काफी सारे लोगों के मैसेजेस और फोन्स आने लगे थे भाई कि सर आपकी जो क्लास है वो क्यों नहीं हुई है कंडक्ट, आपने मुझे ग्रीन हेड डेडिकेट किए। जी हाँ, काफी सारी टोपियां आप मुझे पहना रहे हो भाई और वो टोपियां जरूरी भी है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार आप मुझे टोपी पहनाते रहे, मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज पार्ट थ्री है, आज तीसरा सेशन है। किस चीज का पार्ट थ्री है? इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चालू की है उसका पार्ट थ्री है। अभी तक पार्ट वन और पार्ट टू में मैं आप लोगों को प्रिलिम्स के पेपर की यदि बात की जाए, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की जहां तक बात है, उस प्रीलिम्स के मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन को मैं आपको कवर करा चुका हूं, आधुनिक भारत के सिलेबस को मैं आपको कवर करा चुका हूं और मुझे आशा है कि आप लोगों को बड़ा मजा उसमें आया होगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एंशंट इंडियन हिस्ट्री के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को, भारत के प्राचीन इतिहास के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं तो क्या आप मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करोगे या उन्हें आप हमारे भरोसे ही छोड़ दोगे? मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपके साथ मिडिवल हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा, वो मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। आज मैं आपसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए ऊपर डिस्कशन करूंगा। अब दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास से काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आते हैं। काफी सारे बच्चे तो स्किप ही कर देते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। आज के लेक्चर के साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूंगा कि भाई एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आप प्रीलिम्स के चक्कर में छोड़ भी रहे हो तो मेंस के लिए तो आपको वो पढ़ना पड़ेगी और प्रीलिम्स में भी एक एक दो दो क्वेश्चन से आप लीड ले सकते हो, एक एक दो दो क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना। एक बार नजर मार लेते हैं कि हम कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। जैनिज्म के ऊपर 2011 में क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज्म और बुद्धिज्म यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, वैदिक सभ्यता यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। देख लो फिर बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, देखो फिर जैनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, फिर आप आगे चलोगे अशोक के बारे में क्वेश्चन आया मौर्य पीरियड से, ऋग वैदिक पीरियड से क्वेश्चन आया, यहां पे बुद्धिज्म से क्वेश्चन आया 2018 में, अशोक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। और देखो, मैं आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पता है, अगर आप मेरी स्पेशल क्लास को अटेंड कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को केवल इतना ही बेनिफिट होगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। मेरे सेशन उससे कई ज्यादा होते हैं, मैं उसमें आप लोगों को नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में जब आपको बताऊंगा तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में वो क्वेश्चंस में जो पूछा गया है वो तो बताऊं, एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मैं दे दूं जो यूपीएससी में आपको काम आए। तो क्या आप सभी लोग आज के लेक्चर के लिए तैयार हो?
आज के लेक्चर में आग लगाना है भाई, आज के लेक्चर में क्रांति लाना है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म भी क्रांति ही तो लाए थे। 6th सेंचुरी BC में जब जैनिज्म और बुद्धिज्म आए थे तो वो भी तो एक क्रांति ही लाए थे, तो वैसी ही क्रांति हमें भी लाना है आज के लेक्चर के माध्यम से। आग लगाना है, और आग कौन सी? वो नहीं जो जलाती है, वो आग जो प्रकाश देती है और रास्ता दिखाती है। तो क्या आज के लेक्चर के लिए आप लोग तैयार हो? कैन वी गेट स्टार्टेड? हाउस द जोश? हाई और नॉट? कल की बची हुई ऊर्जा आज के सेशन में लगानी है मित्रों, बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो कुछ देर के लिए मैं इस चैट सेक्शन को ऑफ कर दूं, ताकि मैं जब बोलूं आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन ना हो, और फिर मैं इसको बीच में अपनी बात खत्म होने पे इसको दोबारा से एक्टिवेट कर दूंगा, है ना। आप लोग अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तब आप पूछोगे, तो ना तो मैं समझा पाऊंगा आपको, ना आप समझ पाएंगे, है ना। तो आप क्या करें, थोड़ी देर के लिए इसको मैं ऑफ कर देता हूं, बाद में फिर मैं क्या करूंगा, इसको ऑन कर दूंगा। बड़ी बड़ी मस्ती चढ़ी हुई अमित मिश्रा को, कान पकड़ के समझाना पड़ेगा आपको। चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड, आज के काम को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, द जैन फिलोसॉफी, सबसे पहले मैं इंडस वैली पे आना चाहूंगा, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये बहुत पहले पूछा गया था, 2011 में ये पूछा गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यूपीएससी ने केवल 2011 में पूछा, उसके बाद क्वेश्चन आएगा। सर इसके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, और चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमें यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक मानना पड़ेगा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रश्नों का उत्तर यदि आपको देना है, तो मेरे पास आपकी मदद करने के लिए क्रांतिकारी स्लाइड है। अगर आप इस स्लाइड को अच्छी तरीके से कवर कर लेते हो, तो लगभग कोई भी क्वेश्चन आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का सॉल्व कर सकते हो। सर ये 12 पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो दे रखे, ये ना केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे, ये भविष्य का रास्ता भी आपको दिखाएंगे। सर ये 12 पॉइंट जल्दी से चटका देते, अगर ये इतने इंपॉर्टेंट है तो इसको हम चटका देते। सबसे पहला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन था, एक शहरी सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था, ये एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता से आपको काफी बड़े बड़े जो है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, जस्ट ए सेकेंड। सिंधु घाटी सभ्यता से आपको काफी बड़े बड़े 12 मिली है, ग्रेट 12। आधुनिक जमाने में आप इसको एक प्रकार का स्विमिंग पूल भी बोल सकते हो। और सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों को बेग्ड ब्रिक्स से बने हुए घर भी दिखे, तो बेग्ड ब्रिक्स से घर बना करते थे, अर्बन सभ्यता थी। अच्छा, जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, उसी समय मेसोपोटामिया की सभ्यता का भी विकास हो रहा था। मतलब आप यह बोल सकते हो कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली दोनों कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन थे, दोनों एक ही सभ्यता के, दोनों एक ही समय के सभ्यताएं थी। कंटेम्प्ररी का मतलब क्या होता है, एक ही समय के। जैसे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस और B.R. अंबेडकर एक कंटेम्प्ररी थे, मतलब एक ही समय के नेता थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता में आपको देखने को मिलता है कि लोगों के घर सर पक्की ईंटों से बने हुए नहीं होते थे,
बल्कि ये कच्ची ईंटों से बने हुए होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता इस मापदंड पे, इस पैरामीटर पे मेसोपोटामिया की सभ्यता से एक स्टेप, एक कदम ऊपर थी, क्योंकि यहां पे कच्ची ईंटों से बने हुए मकान होते थे, यहां पे पक्की ईंटों से बने हुए मकान होते थे। दोस्तों, काफी सारे आधुनिक विश्व इतिहास के ऐसे विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, मेरी बात को सुनना, बड़ी काम की बात आपको बता रहा हूं। अरे ये ब्रिटिश बड़े चालाक थे, इन्होंने भारत में रहते हुए भी भारत को परेशान किया, भारत को आजादी देने के बाद भी भारत को परेशान किया। तो काफी सारे ब्रिटिश इतिहासकार बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग आई थी, हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय नियोजन आया था, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से आया था। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता से कैसे आया था? उन विद्वानों का ऐसा कहना है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच में व्यापार होता था, ट्रेड होता था। क्या होता था? व्यापार होता था। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा पर्शियन गुल्फ, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पर्शियन गुल्फ, फारस की खाड़ी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में या मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच में पर्शियन गुल्फ से व्यापार हुआ करता था। तो कई सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने बोला है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से इंडस वैली में टाउन प्लानिंग आई। यार अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता में नगरीय नियोजन आया होता तो मेसोपोटामिया के खुद के लोगों के घर कच्ची ईंटों से बने क्यों होते और हड़प्पा सभ्यता के खुद के लोगों के घर पक्की ईंटों से बने हुए क्यों होते? मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंच रही है कि नहीं? यस और नो कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग आई, कई सारे इतिहासकार बोलते वो मेसोपोटामिया से आई, क्योंकि दोनों के बीच में पर्शियन गुल्फ के बीच से माध्यम से व्यापार होता था। अगर इन दोनों के बीच में व्यापार के कारण आप मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता में व्यापार आया ये बोल रहे हो, तो आप इसका उल्टा क्यों नहीं बोल सकते कि भारत से मेसोपोटामिया में व्यापार क्या हुआ? आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये ब्रिटिश जो है वो हर चीज का क्रेडिट कभी भी भारत को लेने ही नहीं देते हैं, वो हमेशा हर चीज का क्रेडिट खुद ही लेना चाहते हैं। लेकिन अभी उस डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा, बात तो मैं इसके ऊपर 2 घंटे की भी कर सकता हूं। अभी हमें जानना केवल ये जरूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बढ़िया टाउन प्लानिंग थी। सर क्राफ्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, काफी सारे कॉटन के वस्त्र निर्माण ये करा करते थे। सर ये पीस लविंग सिविलाइजेशन था, युद्धों की जानकारी यहां हमको देखने को नहीं मिलती। सर पीस लविंग सिविलाइजेशन, शांति प्रिय सभ्यता थी। इस समय राजा के कॉन्सेप्ट का विकास ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि आ चुका था, लेकिन ऐसा नहीं था कि युद्ध लड़ जाते थे। सर तीसरी चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, लोगों का जो आउटलुक था वो सेक्युलर आउटलुक था, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का मतलब क्या हो गया? सर सेक्युलर आउटलुक का मतलब यह हुआ कि लोग धर्म से परिचित तो थे, लोग धर्म से परिचित तो थे, लेकिन धर्म का डोमिनेशन उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस नहीं थे, अंधविश्वास नहीं थे, और लोग बाग कई सारे धार्मिक कर्मकांडों में अपने जीवन को नहीं लगाए हुए थे। लोग धर्म से परिचित तो थे लेकिन उनके जीवन में धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला नहीं था, यह आप याद रखना। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफी सारे एनिमल्स से भी परिचित थे, काफी सारी जानवरों से भी परिचित थे। अब मैंने आपको अगर ये बातें पढ़ा दी हैं तो आप यूपीएससी में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का तो आंसर आराम से दे सकते हो। सबसे पहले आप पहला ऑप्शन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इन स्टेटमेंट को पढ़ो, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक प्रकार की धर्मनिरपेक्ष सभ्यता में रहने वाले लोग थे, हालांकि यहां पे धर्म प्रेजेंट तो था
लेकिन उसका बहुत ज्यादा डोमिनेशन जनता की लाइफ में नहीं था, सुपरस्टिशन में जनता को विश्वास नहीं था, कर्मकांडों में जनता को विश्वास नहीं था। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। ड्यूरिंग दिस फेज कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। इस दौरान काफी सारे कॉटन के वस्त्रों का निर्माण भारत की टेक्सटाइल्स में होता था। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है, आप लोग मुझे पोल में आंसर बताइए यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने पोल चालू कर दिया है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो चुका है। आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखते हैं कितने परसेंट लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं। लेट्स सी। सर यूपीएससी में 2011 में पूछा गया था। सर आप लोग बोल रहे हैं आंसर सी होगा अधिकतर लोग, मेरी थोड़ी सी नाराजगी है भाई, बाकी बच्चे इसका आंसर क्यों नहीं दे पाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पीपीटी में से पढ़ाया था, देख लीजिए आप लोग वो पीपीटी, एक और बार दिखा देता हूं। सर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप इस पीपीटी में, बड़ी काम की पीपीटी है, इसमें आप लोग देखिएगा सेक्युलर आउटलुक था और इसके साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स थी कॉटन की, तो फिर तो दोनों ही सही होंगे ना, पहला क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, बताइए सीरीज से आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं, इस सीरीज में आपको मजा आ रहा है कि नहीं, क्रांतिकारी हो रही है कि नहीं ये सीरीज। अरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं, थोड़ा लाइक्स वाइक्स ही बाढ़ तो लगाओ यार, तब तो कुछ मजा आएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग काफी सारी हेड्स पिछले दिनों से मुझे डेडिकेट कर रहे हो, तो आप जो हेड डेडिकेट कर रहे हो, एक बच्चे ने तो 7 हेड उसके पास थी, सातों की सातों मुझे दे दी, काफी टोपियां उसने मुझे पहनाई, लेकिन ये टोपी पहनना मुझे अच्छा लगता है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आप लोग पॉइंट को देखिए, इस क्वेश्चन को आप बड़े दिमाग से सॉल्व कीजिए सर। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के बारे में, 13 में इंडस वैली के बारे में। मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइजेस द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में इनमें से कौन सा बहुत अच्छी तरीके से समझाता है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, इनमें से तीन में से कौन सा अच्छी तरीके से हमें यह बात बताता है। दे पोजेस्ट ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। आप खुद सोचो, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में धर्म का इतना ज्यादा बोलबाला नहीं था, तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े मंदिर रहे होंगे क्या? अगर सिंधु घाटी सभ्यता के समय इतना ज्यादा किंगशिप का, वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तो क्या बड़े बड़े महल होंगे क्या? तो पहला पॉइंट तो आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट आप देखो, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। तो ये पुरुष और महिला दोनों ही देवी देवताओं की पूजा करते थे। दे एम्प्लॉयड हॉर ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। वो जो युद्ध लड़ा करते थे उसमें वो घोड़ों का प्रयोग करा करते थे। ये आंसर बड़ा सिंपल है, मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। मैं आप लोगों को पोल चालू कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोग पोल में मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। अब मैं आपको जिस स्ट्रेटेजी से सरेंड में पढ़ा रहा हूं, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए टेढ़ी खीर नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए सिंपल तो नहीं होगा लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं होना चाहिए। दीपक हम वही आपके मन में कंफ्यूजन आया है, ये बड़ा जायज कंफ्यूजन है ना, ये बड़ा जायज कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दीपक, वो सिंधु घाटी सभ्यता में रिलीजियस डोमिनेशन इतना ज्यादा नहीं था, उसी को हमने सेक्युलरिज्म माना है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, 65% ने सही दिया है। यार पहला वाला तो इसमें गलत है, पहला वाला तो गलत है, क्योंकि धर्म का इतना ज्यादा जब बड़ा बोलवाला ही नहीं था तो टेम्पल्स कहां से आ जाएंगे। अच्छा चलो अगर आपको पहला वाला चलो मानते कि आपको समझ में नहीं आया, तो तीसरा वाला समझ में आया होगा कि युद्ध ही नहीं होता था तो होर्स को युद्ध में कहां से लगाएंगे, हालांकि वो जानवरों से परिचित तो थे लेकिन युद्ध ही नहीं होते थे। अब जिसमें भी फर्स्ट और थर्ड आ रहा है
वो ऑप्शन तो गलत हो गए, तो ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। आप लोग इसको देखो, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज, ये सही है। हालांकि धर्म का उतना ज्यादा बोलबाला नहीं था, लेकिन उनका जितना भी धर्म था उसमें पुरुष और महिला दोनों की पूजा हुआ करती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसी के बारे में। एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है और बाकी उसी से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सर इस क्वेश्चन को हम साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें जो नॉलेज मैंने आपको दी है। विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यन एंड द इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। आपको बताना है दोनों में अंतर क्या है, आपको बताना है दोनों में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडस वैली एंड द पीपल ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। अब आप जरा इसमें थर्ड वाले ऑप्शन को देखो। सबसे पहले आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखो। ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेमलेट इन वॉरफेयर, वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। तो युद्ध में कई सारी चीजों का प्रयोग ऋग्वेदिक पीरियड करते थे, ऋग्वेदिक पीरियड के लोग करते थे, लेकिन ऐसी कोई जानकारी हमें इंडस वैली के उससे नहीं मिली है। पहला ऑप्शन से हमें कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही है भाई, मजा नहीं आया, मैंने आपको पढ़ाई नहीं है इसके बारे में, मजा कहां से आएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, ऋग्वेदिक पीपल नो अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर, ऐसा मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है। दूसरा छोड़ो, तीसरा देखो, ऋग्वेदिक पीपल हैज डोमेस्टिसाइज्ड द हॉर्सेस, वेयर इज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग अवेयर ऑफ दिस एनिमल। सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वेदिक लोग घोड़े से परिचित थे और इंडस वैली के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। मैंने आपको एक चीज बताई है, इंडस वैली के लोग भी घोड़े से परिचित थे, जानवरों से परिचित थे। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, जिस जिसमें थर्ड आ रहा है वो गलत हो जाएगा। 2017 में जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, मेरी उस स्लाइड से आप आराम से सॉल्व कर पा रहे हो। समझ में आया कि नहीं? क्या होता है यूपीएससी में, यह बात मेरी आपको समझ में आई कि नहीं? सिंपल बन गया कि नहीं है क्वेश्चन आपके लिए, बताइए भाई। समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। आर यू ऑल एंजॉइंग द सेशन और नॉट? मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा चलो, आप बोल रहे हो कि कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है, लेकिन आप खुद ही सोचो, चार में से आपको एक तो ऑप्शन लगाना पड़ेगा, चार में से आपको एक तो ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो यहां पे जो सबसे पोटेंशियल हो रहा है वो तो यही हो रहा है ना यार। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आएगी। ओके चलिए, कुछ और क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। थोड़े टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस की तरफ हम आते हैं, थोड़े टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस की तरफ हम आते हैं। अब ये देखिए, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में आपको पढ़ा हुआ, और सर मैं आपको है ना अपनी नोट्स की स्लाइड्स दिखाता चलूंगा, है ना, ये नोट्स की जो मेरी स्लाइड्स है ना वो मैं आपको दिखाता चलूंगा। इस क्वेश्चन को आप समझो, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, और हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी का जैनिज्म और बुद्धिज्म वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। दोस्तों मैं आपसे थोड़ा सा हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगा, इतिहास विषय के ऊपर, जो मेरा 8 साल का अनुभव रहा है उससे मैंने कुछ चीजों को सीखा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बच्चों को दिक्कत कहां पे आती है, आप लोगों को दिक्कत कहां आती है वो मैं आपको बताता हूं, दिक्कत का कारण मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ये बात तो हम सभी को पता है कि इतिहास विषय यूपीएससी के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री का हमें फायदा ना केवल प्रीलिम्स मेंस में जो इतिहास के क्वेश्चन आते हैं वहां मिलता है, इंडियन सोसाइटी में भी मिलता है,
इंडियन पॉलिटी में भी मिलता है, इंडियन इकोनॉमी में भी मिलता है, और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करो तो एथिक्स में भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो कहीं ना कहीं है और इंडियन हिस्ट्री का भी है। अब भारतीय इतिहास को जब आप पढ़ते हो तो दो तरह के टॉपिक्स इसमें आते हैं, मतलब भारतीय इतिहास नहीं, इतिहास विषय को जब आप पढ़ते हो तो दो तरह के टॉपिक्स इसमें आते हैं। एक टॉपिक्स होते हैं जिसमें इवेंट्स होते हैं, जिसमें घटनाक्रम होता है। घटनाक्रम से मेरा मतलब क्या है, 1893 में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में एंट्री ली, 1893 से लेके 1905 तक गांधी का उदारवादी चरण साउथ अफ्रीका में चला, उसके बाद गांधी जी का निष्क्रिय प्रतिरोध पैसिव रेसिस्टेंस का चरण चला, 1915 में गांधी जी की भारत में एंट्री हुई, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुई, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुई, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई 1920 में, 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सस्पेंशन हुआ। तो ये घटनाक्रम है, इसमें अमेरिकी क्रांति घटनाक्रम है। पहले ब्रिटिश ने इसको कॉलोनी बनाया, फिर 1651 में नेविगेशन एक्ट आया, फिर 1756 से अमेरिका और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध सेवन ईयर वॉर चालू हुआ, फिर 1763 के बाद स्टाम्प एक्ट वगैरह आते हैं। तो ये पूरा एक घटनाक्रम है। हिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें घटनाक्रम होता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होते हैं, जिनमें घटनाक्रम नहीं होता है, जिनमें कोई घटनाक्रम नहीं है। आप बात करो जैनिज्म और बुद्धिज्म, तो यहां पे आपको घटनाक्रम थोड़ी ना पढ़ना है मित्रों। आप बात करो एनलाइटनमेंट, यूरोपीय प्रबोधन, यहां पे घटनाक्रम नहीं देखने को मिलेगा। आप बात करो रेनेसा, यहां पे कोई घटनाक्रम देखने को नहीं मिलेगा पुनर्जागरण में। आप बात करो भारत में जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, यहां पे घटनाक्रम देखने को नहीं मिलेगा। आप बात करो भक्ति और सूफी आंदोलन, अब इसमें घटनाक्रम थोड़ी ना है। और आम तौर पे बच्चों को ऐसे टॉपिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होते हैं, जिनमें कोई घटनाक्रम नहीं होता। और यूपीएससी के सर एंड मैम, मैं आपको बता दूं, ये फेवरेट टॉपिक्स है, इन्हीं टॉपिक्स पे वो आपको टेस्ट करता है, और ये टॉपिक्स आपके सिलेक्शन और आपके रिजेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आप लोग देख लो कि जैनिज्म और बुद्धिज्म से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, हर साल आ रहे हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन में मिडिवल हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, यहां से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में बिना प्रबोधन की समझ के, बिना एनलाइटनमेंट की समझ के, बिना रेनेसा की समझ के आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स को। और यूपीएससी यहां से हर साल भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको लिटरली बताता हूं, अनअकैडमी प्लस पे जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च जल्द ही करने वाला हूं, तो मैं अभी से आप लोगों के लिए उसके कंटेंट को और आपको मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा उसको तैयार कर रहा हूं। तो मैं जब ऑफलाइन क्लासेस को पढ़ाया करता था, एनलाइटनमेंट टॉपिक के ऊपर मैंने 8 घंटे की लेक्चर ली है, क्योंकि जब तक आप इससे कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है ना भाई, बच्चे इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आपको एक निश्चित तैयारी की रणनीति इसमें चाहिए होती है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में। जैनिज्म और बुद्धिज्म में आपको घटनाक्रम नहीं मिलेगा, तो आप लोग इस बात के मान के चलो कि आपको अकेले को उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कई सारे बच्चों को आती है, लेकिन हमारे पास काफी सारे फॉर्मूले हैं जिनके माध्यम से एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इसी क्वेश्चन को आप ले लीजिए, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वार्स वर कॉमन टू द बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म में कॉमन क्या है, एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं जो बहुत काम आएगा। जैनिज्म और बुद्धिज्म में कॉमन क्या है, सर जैनिज्म और बुद्धिज्म में ये चीज कॉमन है, हम देखते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं और उस कहानी के माध्यम से आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सर शुरुआत में कई समय तक महात्मा बुद्ध ने जैनिज्म के रास्ते से केवल जो जैनिज्म के रास्ते से
निर्वाण को या ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें। मतलब महात्मा बुद्ध कई समय तक अन्न छोड़ देते हैं, जल छोड़ देते हैं, और जैनिज्म के रास्ते पे वे ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब बुद्धिज्म के हिसाब से निर्वाण है। जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई उसी को ज्ञान की प्राप्ति में बोल रहा हूं। लेकिन जब भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने अपने रास्ते को चेंज किया और उसके कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसको निर्वाण की प्राप्ति बुद्धिज्म में बोला जाता है। दोस्तों, जैनिज्म और बुद्धिज्म में एक अंतर यह है कि एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, पहले भी आपने ये कहानी सुनी होगी, लेकिन दोबारा अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो समझना होगा आपको कि एक बार ऐसी कहानी है जैनिज्म के बारे में कि एक राजा थे, उनके पास एक पक्षी अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुहार करता हुआ आता है, उसके पीछे एक बाज लगा होता है और वो बड़ा बेचैन होता है। वो एक राजा के दरबार में आता है कि हे महाराज, मेरे प्राणों को बचाइए। जब बाज उसके पीछे पीछे आ जाता है तो राजा अपना धर्म समझता है कि यार मेरी शरण में कोई आया है तो उसकी प्राणों की रक्षा तो मुझे करना पड़ेगी। तो राजा साहब क्या करते हैं, अपनी एक अब अच्छा प्रॉब्लम यह है कि वो उस बाज को भी नहीं मार सकते, क्योंकि अगर वो बाज को मानेंगे तो उन्होंने क्या करा, हिंसा कर दी। जैनिज्म क्या बोलता है, हिंसा प्रैक्टिस नहीं करना है। बुद्धिज्म भी यही बोलता है, हिंसा प्रैक्टिस नहीं बोलता करना है। गांधी जी भी यही बोलते हैं, हिंसा प्रैक्टिस नहीं करना है। सभी यही बोलते हैं, हिंसा प्रैक्टिस नहीं करना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो गई, इसमें दुविधा ये हो गई कि इन्होंने बोल दिया हिंसा प्रैक्टिस नहीं करना है, तो राजा ने क्या करा, अब शरण में आए हुए के प्राण भी बचाने और बाज को मार भी नहीं सकते, तो उन्होंने अपना एक हाथ काट के क्या कर दिया, उस बाज को दे दिया कि भाई तू तेरा पेट भर इससे, इस पक्षी को छोड़ दे। और राजा ने ऐसे बाज के ऊपर हिंसा भी नहीं की। अब उस बाज का पेट नहीं भरा, दूसरी भी अपनी आम काट के दे दिया उसको। तो जैनिज्म जो बात करता है, वो जैनिज्म बात करता है एकदम एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करने की, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करने की। मतलब अहिंसा को प्रैक्टिस तो करना है लेकिन बहुत बड़े लेवल तक प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बताता हूं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में यह अंतर है, एक कि एग्रीकल्चर की बात करो और ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करो, एग्रीकल्चर की बात करो और ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करो, तो जैनिज्म ने, बुद्धिज्म ने और जैनिज्म ने दोनों ने ट्रेड एंड कॉमर्स को सपोर्ट करा, व्यापार और वाणिज्य को दोनों ने सपोर्ट करा। लेकिन जैनिज्म ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि कृषि मतलब महावीर स्वामी ने एग्रीकल्चर को उस समय प्रमोट नहीं किया, क्योंकि एग्रीकल्चर कृषि को करते समय काफी सारे क्या होगा, काफी सारा ऐसा भी मुद्दा आएगा उसमें कि जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो काफी सारे क्या हो रहे हैं उसमें, कीड़े मकोड़े वगैरह मर रहे हैं। और जैनिज्म क्या बात करता है, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करने की, इसलिए जैनिज्म ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं किया। अब बुद्धिज्म भी नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करने की बात करता है, लेकिन बुद्धिज्म एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करने की बात नहीं करता, वो बीच के रास्ते को निकालने की बात करता है, वो मॉडरेट नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करने की बात करता है, मतलब बीच का रास्ता निकले। अगर आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में जो अहिंसा के कॉन्सेप्ट में एक प्रकार का उनके बीच में जो अंतर है वो समझ में आ गया, आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकते हो। सर, जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या कॉमन था वो देखना है, तो हम ये भी तो देख सकते हैं क्या कॉमन नहीं था। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, पेनेंस एंड एंजॉयमेंट। अब क्या दोनों ही एक्सट्रीमिटीज को अवॉइड करने की बात करते थे या केवल बुद्धिज्म ही एक्सट्रीमिटीज को अवॉइड करने की बात करता था? अरे बुद्धिज्म तो मॉडरेट रास्ते की बात करता था ना, और जैनिज्म बात करता था अवॉइडेंस की नहीं बल्कि एक्सट्रीमिटीज को प्रैक्टिस करने की, कि नॉन वायलेंस का भी कॉन्सेप्ट है वो भी एक्सट्रीम रास्ते तक ही प्रैक्टिस करना है। तो ये तो दोनों में कॉमन नहीं था,
जैनिज्म बात करता था एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करने की, और बुद्धिज्म बात करता था मॉडरेट को। इसमें पहला वाला ऑप्शन गलत है, जिस जिसमें फर्स्ट आ रहा है वो गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका आंसर क्या हो गया, मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंची कि नहीं? आर यू ऑल एंजॉइंग द सेशन? अरे भाई मजा आ रहा है कि नहीं यार, थोड़ा लाइक्स वाइक्स करके बताओ यार। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। हालांकि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसके संदर्भ में और बहुत बात हो सकती है, लेकिन मैं आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पढ़ा रहा हूं। जैनिज्म अगर बुद्धिज्म के बारे में मैं आपको पढ़ाना चला तो वही 4-5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में हमें बहुत समय देना पड़ता है ना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो मेरे कंप्लीट कोर्सेस को अटेंड करना, अगर आप चाहते हो मेरे अनुभव का आपको फायदा मिले, 7-8 साल का जो मेरा अनुभव है, तो आप अनअकैडमी प्लस को मेरे साथ पढ़ने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं, एंशंट और मिडिवल हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स सर 22 जून से शुरू हो रहा है सर। कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स है, 35 से 36 लेक्चर है सर। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में भी दिक्कत आती है, वो टॉपिक में दिक्कत आपको कभी आएगी नहीं सर, इतनी मेरी गारंटी है आपको। इतिहास विषय आपके लिए बहुत सिंपल विषय हो जाएगा। 8 तारीख से एक यूपीएससी का कंप्लीट बैच चालू हुआ है, उसमें मैं भी पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री आपको। तो जितने लोग सोच रहे हैं 22 तारीख को ही सब्सक्राइब कर लेंगे, सर 8 तारीख को यूपीएससी का बैच चालू हुआ है, मैं भी इसमें पढ़ा रहा हूं आपको। मैं आपको अनअकैडमी प्लस पे मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एंशंट मिडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारी चीजें कवर कराऊंगा, और ऐसा कवर कराऊंगा कि आपको कभी किसी दूसरे कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी मेरी गारंटी है। मैं अपने कोर्सेस में काफी सारी टाइमलाइंस का प्रयोग करता हूं, टाइमलाइंस के साथ साथ चार्ट्स का भी प्रयोग करता हूं, और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दूसरे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अपने अपने सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे कि सुदर्शन सर है ज्योग्राफी के लिए, नाल सर है इकोनॉमी के लिए, मोदित हैं जो आपको करंट अफेयर के लिए भी प्रिपरेशन कराते हैं, रोमन सैनी सर है। तो अगर आप लोग मेरे कोर्सेज को अटेंड करना चाहते हो, आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके इतिहास की टेंशन मैंने पटवा देता हूं, और बाकी सारे सब्जेक्ट की टेंशन रिस्पेक्टिव एजुकेटर्स निपटवा देते हैं। अगर मेरे सेशंस आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आप लोग अनुज यूपीएससी कोड का अवश्य प्रयोग करें, इससे आपको एक 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और मुझे पता लगेगा कि मैं अपनी तरफ से अनअकैडमी को क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। तो अनुज यूपीएससी मेरा रेफरल कोड है, अगर आपको मेरे सेशंस हेल्प कर रहे हैं तो आप इसका प्रयोग करें, और अगर नहीं हेल्प कर रहे हैं तो फिर तो मैं आपसे किसी भी अधिकार से बोल ही नहीं सकता हूं। यहां पे यदि आप इस रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे अनुज यूपीएससी, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करोगे तो दूसरे एजुकेटर्स के कोर्सेस का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, सभी के कोर्सेस का एक्सेस आपको मिलेगा। अभी के लिए हम बढ़ते हैं, अभी के लिए हम बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो मजा आ रहा है कि नहीं भाई? मजा आ रहा है कि नहीं? अब देखो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाता हूं। 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगले कॉन्सेप्ट के लिए तैयार हो कि नहीं? अगले कॉन्सेप्ट के लिए तैयार हो? यूजीसी नेट के लिए भी काम आ जाएगा आपके लिए कोर्स।
अपरजीत भी तो शायद पहले आप स्पेशल क्लासेस ही आपने अपरजीत ज्वाइन करी थी, प्लस तो आपने अभी ज्वाइन किया है। आप भी शायद यूजीसी नेट के लिए तो तैयारी कर रहे थे ना पहले, आपका मुझे कुछ याद है आपने स्पेशल क्लास में मुझसे पूछा था। तो आप अपने अभी अनअकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया और आपको बेनिफिशियल हो ही रहा होगा वो आपके, तो मैं फीडबैक वगैरह भी देखता रहता हूँ। हाँ आपने तो सेंट मेल भी मुझे सेंड किया था है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी क्लासेस जो प्लस की हैं, अनअकैडमी प्लस पे जो मेरी क्लास चल रही है वो 6 से 7:30 चलती है डेली बेसिस पे। ये प्लस क्लास है जिसमें मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। 22 तारीख से एंशियंट और मिडिवल का कोर्स चालू होगा और फिर आपका जो उसके बाद भी कोर्सेस आते रहेंगे आपके, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और नया कॉन्सेप्ट में देता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए प्राचीन भारत के इतिहास को। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट निर्वाण क्या समझाता है, चलो इस क्वेश्चन को तो देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं पीपीटी में से बुद्धिज्म के बारे में कुछ पढ़ाता हूं ताकि आप लोगों को देखो। हमें दो चीजें कोशिश करना है दोस्तों, एक तो क्या है कि हम यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, लेकिन हमें इस बात का भी तो ध्यान रखना है ना, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो आगे आ सकते हैं क्वेश्चंस उनको भी सॉल्व कर पाए। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। महात्मा बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली, तब उन्होंने 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रुथ्स बोले। मतलब उन्होंने बोला कि 4 सत्य हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पहला है कि संसार में हर जगह दुखी दुख है, सौरव है। दुख का कारण है डिजायर्स, तृष्णा। अगर दुख को खत्म करना है तो उसके लिए बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ दिए, अष्टांगिक मार्ग दिए। और अगर अष्टांगिक मार्गों को फॉलो किया तो बुद्ध की तरह निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ये 8 फोल्ड पाथ बुद्ध ने बोले थे, अभी पढ़ाऊंगा सबके बारे में। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बोले, संसार में सभी जगह दुखी दुखे, दुख का कारण है व्यक्ति की इच्छाएं, व्यक्ति की तृष्णाएं, जैसे जैसे वो बढ़ती चली जाती है व्यक्ति में स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जाता है। आज भी हम इस चीज को देख सकते हैं। तो बुद्ध ने बोला कि अगर आपको दुख को हटाना है, अगर आपको अपने जीवन से दुख के साइकिल से निकलना है, तो सबसे पहले तो आप अपनी डिजायर्स का एनिहिलेशन करो, सबसे पहले तो आप अपनी इच्छाओं का त्याग करो। इच्छाओं का त्याग कैसे करें सर, आपने बीमारी तो बता दी, दवाई तो बताइए। इच्छाओं का त्याग करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए, 8 फोल्ड पाथ बताए। अभी मैं आपको केवल इनके नाम बता रहा हूं, डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। समान्धिति, राइट थॉट, राइट स्पीच, इस तरह के उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए। और यदि किसी भी व्यक्ति ने अष्टांगिक मार्ग को फॉलो किया तो उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला हूं कि निर्वाण का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म के हिसाब से क्या है, निर्वाण का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म के हिसाब से क्या है, क्या ए इसका आंसर होगा कि नहीं, द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। आपके अंदर इच्छा की जो लौ है वो सबसे पहले खत्म होना चाहिए ना निर्वाण की प्राप्ति के लिए। ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि नहीं, 2013 में जो पूछा गया था, जल्दी बताइए ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि नहीं? आई होप कि आपके लिए अब टेढ़ी खीर नहीं है।
तो जो बुद्धिज्म और जैनिज्म आपको टफ लगते थे वो आपको थोड़ा तो आपको अब कंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा। हालांकि मेरे पास ज्यादा टाइम का स्कोप नहीं है, एक ही घंटे का समय है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये क्लियर तो हो रहा होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान देता हूं। वो मेंस के लिए आपको काम आ सकता है, अपर जीत। देखिए दोस्तों, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के यदि आप टॉपिक्स की बात करोगे, प्राचीन भारत इतिहास के यदि आप टॉपिक्स की बात करोगे, थोड़ा समझ लीजिए इसको, आपके बहुत यूपीएससी में काम आएगा ये। प्राचीन भारत को पढ़ने का तरीका बताता हूं आपको दोस्तों। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स की जहां तक हम बात करते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक आपका निकल के आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रीलिम्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, सिविलाइजेशन, और मेंस के हिसाब से भी लगभग सेम ही है। सिंधु घाटी सभ्यता ये कब से कब तक चली? 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका निकल के आता है ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक काल। ये कब से कब तक चला? 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। बहुत मजा आएगा आपको, इतनी में गारंटी दे रहा हूं, आपका इतिहास को समझने का देखने का तरीका ही बदल जाएगा। और इस तरीके के ऊपर YouTube पे मैंने एक वीडियो डाली थी, 4-5 साल उसको हो चुके हैं और वो 45 लाख से भी ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं और 15-20 करोड़ से भी ज्यादा मिनट उसको देखा जा चुका है। तो वो आपको मैं कॉन्सेप्ट अभी लाइव समझाता हूं। तीसरा टॉपिक आपका निकल के आएगा लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, और ये कब से कब तक चला मित्रों? 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। फिर अगला टॉपिक आपका निकल के आएगा महाजनपद काल, जिसको आप बुद्ध काल भी बोलते हो, बुद्ध पीरियड भी बोलते हो, और ये कब आया? 6th सेंचुरी बीसी। जैसे ही आपका लेटर वैदिक पीरियड एंटर खत्म हुआ, आप एंटर कर जाते हो महाजनपद पीरियड में, और महाजनपद पीरियड में आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय होते हुए दिखता है, जैनिज्म और बुद्धिज्म का। और अकेले जैनिज्म और बुद्धिज्म नहीं, टोटल 62 नए धर्म थे, 62 नए धर्म थे जो आते। अब दोस्तों आप लोग, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की, यदि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हो, अगर आप मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से, तो आप कैसे पढ़े? इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलीजन तो मैंने आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर ही दिया, सेक्युलर सभ्यता थी, हालांकि धर्म प्रेजेंट था क्योंकि मेल और फीमेल की डीटीज की वर्शिप की जानकारी मिली है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, लेकिन रिलीजन का बहुत ज्यादा डोमिनेंस व्यक्ति के जीवन में नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। ऋग्वेदिक काल तक आते आते भी चीजें रहीं से, रिलीजन का आउटलुक ज्यादा बड़ा लोगों के जीवन में डोमिनेंस हुआ, लेकिन अभी भी जो लोग थे वो नेचर को ही वर्शिप करते थे, प्रकृति को ही वर्शिप करते थे, जिस चीज से लोगों को ऊर्जा की प्राप्ति होती थी उसी को वो क्या मानते थे भाई? नेचर को ही वे प्रैक्टिस करते थे और नेचर को ही वो पूजते थे, प्रकृति की ही पूजा करते थे। तो अभी भी एक प्रकार से सब कुछ सही है। लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते, उत्तर वैदिक काल तक आते आते, कई सारे सुपरस्टिशंस आ गए सर रिलीजन में, अंधविश्वास आ गए, कर्मकांड आ गए, और इसी के साथ साथ काफी सारी चीजों ने प्रवेश कर लिया। जैसे कि ऋग्वेदिक पीरियड में वुमेन की पोजीशन अच्छी थी, लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन की पोजीशन आके डाउन हो जाती है। रिलीजन नेचर को प्रैक्टिस करा करते थे, नेचर को ही पूछते थे, अब सुपरस्टिशंस आ गए, कर्मकांड आ गए। मैंने इतिहास में इस बात को अनुभव किया है, वर्तमान में इस बात को अनुभव किया है, व्यक्तिगत जीवन में, दूसरों के जीवन में, हर किसी व्यक्ति के जीवन की एक सेंट्रल लाइन आपको मैं बता देता हूं, ज्ञान आपको मैं दे देता हूं। जब भी जीवन में कठिनाई का समय आता है, हम सरलता का रास्ता ढूंढते हैं।
मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में कठिनाई का रास्ता पसंद ही नहीं होता, और जब भी उसके जीवन में कठिनाई आती है वो सरलता का रास्ता ढूंढता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सरलता का रास्ता ही था, उतनी कठिनाई थी ही नहीं। सेक्युलर सिविलाइजेशन था, रिलीजन मौजूद था, बहुत डोमिनेट नहीं था। ऋग वैदिक पीरियड में लोग बाग नेचर को पूछते थे, रिलीजन मतलब धर्म था लेकिन बहुत ज्यादा डोमिनेशन ही था, सरलता ही थी। लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते कर्मकांड आ गए, सुपरस्टिशंस आ गए, वुमेन की स्थिति में गिरावट आने लगी, कई सारे अंधविश्वास आए, कठिनाई का समय आ गया। और पता है आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म ने क्या किया? जैनिज्म और बुद्धिज्म ने इस कठिनाई के रास्ते से क्या किया? सरलता के रास्ते को ढूंढने की कोशिश की। ये किया जैनिज्म और बुद्धिज्म, जो कठिनाई के समय आया था उससे सरलता का रास्ता ढूंढा। महात्मा बुद्ध ने बोल दिया, हर जगह दुख है और दुख का कारण है आपकी इच्छा, इच्छा को हटाओगे। हालांकि आज की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये पॉइंट उतना लागू नहीं होता है, लेकिन कभी भी हम अपनी अंतरात्मा में जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, हमें ये भी चीज को देखो, दोनों ही पॉइंट इसमें सही है। सेटिस्फाई हमें अपने आप को रखना पड़ेगा, ये सही भी है। और एक हमारे अंदर की एनिमल स्प्रिट बोलती है, हमारे अंदर का करने का एम्बिशनेस एम्बिशनेसनेस बोलती है, हमारे अंदर जो महत्वाकांक्षा वो बोलती है कि सेटिस्फाई तो नहीं होना, दोनों ही चीजें सही है। लेकिन दोनों ही चीजों का बैलेंस बड़ा जरूरी है। हमें कहीं कहीं सेटिस्फाई भी होना जरूरी है, हमें कहीं कहीं डिससेटिस्फाइड भी अपने आप से रहना जरूरी है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म को आप लोग प्रतिक्रियावादी धर्म बोलते हो, मैं स्लाइड निकाल लूं आपको, मैं पढ़ाता हूं। जैनिज्म को और बुद्धिज्म को प्रतिक्रियावादी धर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड आए थे उसी की रिएक्शन में तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय हुआ ना। अरे भाई, कठिनाई ही नहीं रहती तो सरलता का रास्ता कैसे ढूंढते? इस तरह के थॉट प्रोसेस की आपको जरूरत होती है जब आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं, और देखो ये तरीका अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना मित्रों, तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक भी आपको समझ में आएंगे। अब आप बोलते हो कि सर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक ही हमको समझ में नहीं आते, तो उसके लिए तो पूरा एक तरीका है ना यार, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक के लिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट में वो क्वेश्चन निकाल लूं आपके लिए। एक और क्वेश्चन निकालता हूं मैं, चलिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अभी जो मैंने आपको नॉलेज दी है उसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब ये देखो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। वैदिक आर्यंस में अल्ले वैदिक का मतलब हुआ ऋग वैदिक, तो जो धर्म था ऋग्वेदिक लोगों का उसमें वो मेनली किसको पूछते थे? भक्ति को, इमेज वर्शिप करते थे और यजनास को पूछते थे, नेचर की वर्शिप और यजनास, या भक्ति और नेचर? क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा इसका? पोल में शुरू कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। अब देखिए, डिस्कशन करेंगे, अभी उतनी डिटेलिंग में नहीं जा रहे हम धीरज। अब देखिए, देखो कम से कम आपको, अच्छा मैं ये लीडर बोर्ड शेयर कर देता हूं, आप अपने परफॉर्मेंस को भी देख सकते हो। कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि यार फर्स्ट और बी तो सही नहीं होंगे, क्योंकि नेचर की वर्षे आएगी तो सी डी में से आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? फर्स्ट और ये तो ही नहीं सकते। वो यजनास को नहीं पूछते थे, वो लेटर वैदिक पीरियड में हुआ, इसका आंसर है डी, ये इसका आंसर है। हालांकि यजनास के बारे में डिटेल में चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी मैं उसके बारे में डिस्कशन ज्यादा आपसे नहीं करना चाहूंगा। यार ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था यूपीएससी में।
सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मैं पोल चालू कर रहा हूं, आप लोग देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अब तो हो ही गया है आपके लिए सिंपल। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद कहां पे है? मुंडकोपनिषद है आपका अथर्ववेद में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और बार जानकारी दे दूं, यदि आप इतिहास की कंप्लीट तैयारी को बिना किसी भी समस्या के साथ करना चाहते हैं। देखो यार, मैं अपने हर कोर्स में प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो सॉल्व कराते हूं, हर लेक्चर जो मेरा रहता है प्रीलिम्स के क्वेश्चन, इस तरीके आंसर राइटिंग के लिए भी मैं आपको तैयार करता हूं राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंड सेकेंड डे। देखो मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो आपको बोले कि आपको आंसर राइटिंग को पहले दिन से प्रैक्टिस करना चाहिए, मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो आपको वो सिखाता भी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके आंसर राइटिंग बच्चे इसको प्रैक्टिस कर पाते। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये तो केवल एक ही पार्ट है, एक और मजेदार बात मैं आपको बताता हूं कि जब अनअकैडमी प्लस से आप लोग जुड़ते हैं, एक और बात मैं आपको बताता हूं इसमें कि दोस्तों आपके द्वारा जितने भी आंसर्स को लिखा जाता है ना, उनका मैं लाइव रिव्यू भी देता हूं। एक एक बच्चा पीडीएफ रिसीव करता है और उसमें मैं बताता हूं कि भाई, जैसे कि ये एक शेफाली रावत करके प्लस सब्सक्राइबर है, उनको मैंने पूरे डिटेल रिव्यू दिया कि भाई आप क्या सुधार सकते हो, इसका इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता था, इसका बिगनिंग कैसे हो सकता था। आपको मैं सारी ही चीजों को सिखाता हूं कि कैसे आप कंटेंट को सुधार कर सकते हो, लैंग्वेज में सुधार कर सकते हो। रिव्यू, पर्सनलाइज रिव्यू आपको देता हूं, जैसे यशिका ने ये लिखा तो पर्सनलाइज रिव्यू उनको दिया। तो आपको किसी भी प्रकार की, और देखो ये मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली, ये इम्पॉसिबल है ऑफलाइन कोचिंग में, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। मेरे भी ऑफलाइन कोचिंग का बहुत अनुभव रहा है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी टीचिंग पद्धति भी कहीं ना कहीं वहीं ऑफलाइन में ही डेवलप हुई है। ऑफलाइन का अपना एक मजा है, लेकिन लाइव रिव्यू देना एक एक बच्चे को उसके आंसर्स का, ये लगभग इम्पॉसिबल ऑफलाइन में हो जाता है। आप लोगों को इस प्रकार के मेरे द्वारा डिटेल रिव्यूज मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस तरीके की सॉलिड तैयारी कराऊं, और हर टीचर उसी तरह का आपको पढ़ाता है, मृणाल सर इकोनॉमी का अनुभव आप लोग जानते हैं कितने समय से पढ़ा रहे हैं, राकेश वर्मा सर है खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, तो आपको पता है कितना जस्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल दोनों ही प्रकार में अवेलेबल है कोर्सेज, है ना। मेरा एक बैच चल रहा है, कल से ही चालू हुआ है, यूपीएससी का कंप्लीट बैच, इसमें कंप्लीट आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। कंप्लीट बैच लॉन्च हुआ है, एक ही क्लास आपकी मिस हुई है, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो आगे आपका और लॉस ना हो, आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये रेफरल कोड है अनुज यूपीएससी 10% डिस्काउंट के लिए। ये कोड आपको तब इस्तेमाल करना चाहिए अगर मेरे सेशन से आपको हेल्प मिल रही है, और अगर आपको लगता है कि आगे भी मेरी पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तो आप अनुज यूपीएससी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे सेशंस आपको मदद कर रहे होंगे। मित्रों, हमारी ये स्पेशल क्लास की सीरीज ऐसी ही चलती रहेगी। कल आपको मैं पढ़ाने वाला हूं मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा मेंस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, आंसर राइटिंग के बारे में भी सिखाऊंगा, तो आंसर राइटिंग के बारे में भी आप सीख सकते हो मेंस के जो मेरी स्पेशल क्लासेस रहेंगी उसमें, है ना, और प्रीलिम्स के ऊपर भी मेरी आ रही है। और मेरी ये कोशिश है कि मेरी ये स्पेशल क्लास की सीरीज एंड हो, उसी से पहले मैं अगली सीरीज की घोषणा कर दूं। तो ये मेरी स्पेशल क्लास की सीरीज एंड हो रही है 13 जून को,
उससे पहले मैं अगली सीरीज की घोषणा कर दूंगा, ओके? तो मैं आपको वो घोषणा भी कर दूंगा। जितने लोग प्लस को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, आप स्पेशल क्लासेस को अटेंड कीजिए, उस पे आप लोग पढ़िए, उसमें भी आपको नॉलेज मिल रही है। अगर आप कंप्लीट सिलेबस को, अब जैसे मैं बताता हूं, मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा भी एक कोर्स चल रहा है, 35 लेक्चर्स का मेरा कोर्स है, एंशियंट मिडिवल के ऊपर मेरा कोर्स 36 लेक्चर्स का कोर्स आ रहा है। अगर आप चाहते हो स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर पूरे इतिहास को पढ़ना, हर सब्जेक्ट को पढ़ना, तो आपको प्लस सब्सक्राइब करना चाहिए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको बहुत मजा आया होगा। और यार, अगर आप केवल स्पेशल क्लास ही डेडिकेट, अगर आप केवल स्पेशल क्लास ही अटेंड कर रहे हो, तो आपका सवाल होगा कि सर, अगर आप हम प्लस में आ रहे हैं तो हम इस कोड का इस्तेमाल करके आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन सर अगर हमें स्पेशल क्लास करना है तो कैसे करें? अगर आप केवल स्पेशल क्लासेस कर रहे हो तो आप मुझे हेड डेडिकेट कर सकते हो, आपके लर्निंग मिनट्स पे आपको हेड मिलती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ हेड, कोई भी बच्चा हेड डेडिकेट करता है। कल मुलाकात करेंगे मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी की टिप मैं आपको दे रहा हूं, इस बात को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रहा हूं, 2 मिनट और रुक जाइए, फिर आप जा सकते हैं। बच्चे सोचते हैं कि हमें सर एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री क्या करेंगे कवर करके, प्रीलिम्स में भी इसके दो तीन क्वेश्चन आते हैं, और सर पढ़ना भी एंशियंट मिडिवल से, तो एंशियंट से पढ़ लेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म, और मिडिवल से पढ़ लेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन, तो क्या मतलब है पढ़ने का? पिछले 10 सालों में मिडिवल हिस्ट्री से, टोटल मिडिवल से केवल 15 क्वेश्चन आए, मतलब एक दो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री से पूछे गए थे। पता है आपको यूपीएससी 2019 में क्या हुआ? 5 क्वेश्चन आ गए मिडिवल से, एंशियंट से 5 क्वेश्चन आ गए, मॉडर्न से 5, मॉडर्न से आते थे 10-12, मॉडर्न से कम कर दिया, यहां से ज्यादा पूछ लिया। तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट यूपीएससी। क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो है ही सही, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी है। तो 22 तारीख से मेरा जो कोर्स शुरू हो रहा है वो आपकी इस दिशा में मदद कर सकता है। अगले सत्र में मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा, कल के टॉपिक का नाम आपको मैंने बता दिया है। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखो, और अगले सत्र में फिर मिलेंगे। कुछ डाउट है आपकी 2-3 मिनट तो पूछ सकते हैं आप, 2-3 मिनट आपकी कोई डाउट वाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं 2 मिनट लाइव हो रहा हूं। और ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना सर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी, सब लोग टेलीग्राम चैनल को वो कर लेना, प्लस में पूरे नोट्स मिलते हैं आपको, बिल्कुल मिलते हैं नोट्स, पीडीएफ्स मिलती हैं। हाँ, क्योंकि आंसर राइटिंग सिखावता भी तो वहीं पे हूं ना मैं। हाँ यार, 2 साल पहले की ये फोटो है, अभी मैं शोल्डर इंजरी की वजह से अभी मैं ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहा हूं। चलो, अगले लेक्चर में मिलते हैं। सर मेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंशियंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं आपको बात करने वाला हूं पारुल। 2-3 दिन बाद आपका मेंस का वो है, मेंस का भी स्किप कर देते हैं बच्चे की एंशियंट मिडिवल पढ़ के क्या करेंगे, पूरा मैं समझाऊंगा आपको 1-2 दिन बाद जो लेक्चर है मेंस का उसमें। ये सीरीज आपकी 13 तारीख तक चलेगी ना, 8:30 बजे से 9:30, 8:30 से 9:30, है ना? ऑप्शनल शुरू होगा प्रीलिम्स के बाद, 4 तारीख के बाद, ऑप्शनल भी मैं पढ़ाता हूं अकेडमी पे आपको, ओके? चलिए, अगले सत्र में मिलते हैं, ख्याल रखना अपना।
दैट्स इट, अगले सत्र में फिर काला आग लगाएंगे।